दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज हम इस लेटरिन बाथरूम का पूरा लाइट और पानी का जो फिटिंग है उसका पूरा तरीका समझाने जा रहे हैं, कौन सा सही तरीका होता है दोस्तों और कौन सा गलत तरीका होता है। तो सही तरीका सबसे बेस्ट रहता है, इसीलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। चलिए, तो ये लाइट का सिस्टम है, ये पाइप यहाँ से देख लीजिए, ये लाइट का है पूरा पाइप, और ये यहाँ पर गीजर का सिस्टम दिया गया, और यहाँ से पानी इन होता है टंकी से, और ये एक पॉइंट है यहाँ नीचे, और ऊपर गीजर का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे सही तरीका दोस्तों यही है, और ऊपर पानी की टंकी लगी हुई है और ये एयर पास निकाला गया है, और यहाँ पर अलग से ये पानी अप करने के लिए, यानी हम सटके से पानी को टंकी भर सकते हैं, इसलिए ये रखा गया है। और ये जो है कभी एक्स्ट्रा टूटी या हम पशुओं को पानी पिलाएं, इसीलिए ये रखी गई है। तो ये एक्स्ट्रा रखी गई है ताकि कोई पशु और हमारे ये पानी पी डालने के लिए। ये जॉइंट है अंदर किया गया है यहाँ पर अंदर ये, और यहाँ पर वाश स्पेस के लिए पॉइंट दिया गया है, ये वाश स्पेस के लिए पॉइंट दिया गया है। और हम अंदर चल के यहाँ से इन हो गया, इन होने के बाद यहाँ पर ये पॉइंट जो पहला है आपके 20 का हो गया, और इसके बाद ये गीजर ऑन ऑफ हो गया, यहाँ पर ऊपर फवारा का ये पॉइंट हो गया, और अब ये गीजर के दोनों पॉइंट है, ये गर्म पानी और ठंडे पानी के लिए, ये गीजर के लिए रखा गया, और इसके बाद आगे वहाँ वॉश स्पेस के लिए है, और ये आगे लेटरिन के लिए वहाँ संडास के लिए भेजा गया, जो टी में लगा कर भेजा गया है। तो अब आगे ये दोस्तों एकदम गुड तरीका है, और कैंसिल फिटिंग है, और प्लम्बर का सिस्टम ऐसे ही हमें रखना चाहिए। तो ये आपकी संडास का सिस्टम मैं बता दूं आपको, तो ये यहाँ पर ये फर्स्ट में ये 20 रखी गई है, और ये फर्स्ट में ये 20 है, ये 2 WC का बाथरूम है, यानी इसमें एक खड़ी लगेगी और एक बैठी WC लगेगी। इसमें 2 WC का सिस्टम है, यहाँ पर ये 20 लगाई गई है, और यहाँ से पानी एक बार फिर इन होगा, एक वहाँ से इन होता है और एक यहाँ से इन होता है। यहाँ पर हमने ये सिस्टम अलग से लाया क्योंकि ये WC में प्रेशर नहीं रहता था, इसलिए यहाँ पर लाया। ये खड़ी WC का सिस्टम है, और ये